हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और योर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। और छोटी थोड़ी सी बूंदें पड़ रही थी, बहुत ही ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा, और लग रहा था कि बरसात होगी ज़्यादा, और अभी हो रही थी थोड़ी थोड़ी सी बरसात। और यहाँ पे अदिति और नन्नू नहाने की वजह से ना कपड़े वगैरह खोल खाल के बैठी है, बोल रही है मम्मा अगर बारिश जोर से आई तो हम दोनों जरूर से जरूर नहाएंगे। तो उन्होंने दोनों ने ज़बरदस्ती मेरे से कपड़े खुलवा लिए और यहाँ पे खड़ी है दोनों बहन। और साथ के साथ मैं आपको मेरे पौधे जो है वो बता देती हूँ, फिर ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। अगर ब्लॉग पसंद आए तो आपको तो सब लोगों को पता ही है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मेरे जो चिली प्लांट्स थे वो बहुत ही अच्छे हो रहे थे, एकदम ग्रीन ग्रीन बरसात के पानी से, और उन पर फ्लावर आ रहे थे। तो फ्लावर आने के बाद देखते हैं कब तक इनमें ग्रीन चिली आती है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल ब्लॉग है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज मैं आपसे दो लोगों को मिलवाने वाली हूँ, तो बहुत ही स्पेशल लोगों से। तो कौन है वो, तो ब्लॉग को करते हैं वॉच और करते हैं स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप, नन्नू मीना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खा सुसु करके आया है, सुसु खा करके आया, सच्ची सच्ची बता सुसु खा करके आया। चलो गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग नन्नू, गुड मॉर्निंग नन्नू, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग, प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताया करो। और आज का मैं ब्लॉग कर शुरू करने जा रही हूँ। अभी सुबह का 9 बज चुका है और काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है, झाड़ू पोछा और खाना भी बना के रख दिया। सब्जी बनाई थी मैंने आलू टमाटर की, और इसके पापा जा चुके हैं, उनके लिए मैंने एक पराठा बनाया था और वो सब्जी चटनी से खा के चले गए, सब्जी और चटनी से। तो अभी मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, शाम तक कोई भी काम नहीं है मुझे, बस थोड़ा सा मैं वीडियो अपलोड करना है अभी, और थोड़ा सा काम है वही मैं अपना छोटा मोटा वो करती रहूँगी दिन में, और बच्चे सो जाएंगे तो मेरा सारा काम हो गया ना जल्दी ख़त्म। तो अभी मैं बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ, मम्मी मम्मी मम्मा लबो अच्छे लबो 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 लबो, जब इसको बोलते हैं ना तब ये लबू नहीं करती। तो चलो ठीक है, तो चलते हैं किचन में, और किचन में मैं आपको कुछ क्या हुआ, किचन में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कोई नई चीज। और क्यों बताऊँ आपको, क्यों हेलो से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अदिति और नन्नू देख रहे हैं दोनों कार्टून, तो मैं दिखाने वाली हूँ आपको कुछ चीज। और आ गई चटोरी पीछे से कुछ भी नहीं है, उल्लू बना रही थी मैं तो तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं दिखाने वाली थी आपको ये। अब ये क्या है आप लोग सोचोगे क्या है, किस किसी को पता है ना, नारियल है ये, ठीक है। तो अब इसको मुझे फोड़ना है, मैंने लिया था अभी, एक आंटी बेचने वाली आई थी तो उससे मैंने लिया था ये, 20 रुपए का लिया था। तो आप लोग पूछते हो ना मेरे बालों का राज क्या है, जो मेरे बालों की क्वालिटी है उसका, और जितने अच्छे होते हैं मेरे हेयर, बहुत सब लोग बोलते हैं आप क्या यूज करते हो बालों को। मैं ज्यादा कुछ यूज नहीं करती अपने हेयर्स में, मैं क्या करती हूँ जब भी मुझे कुछ खाने का मन करता है घर में तो मैं बाकी की चीजें नहीं खाती, मैं क्या करती हूँ इस तरीके से कोकोनट ला के रख लेती हूँ, तो उसी को मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि इसमें कितना पानी निकलता है, कितना अच्छा रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, अगर आपको आपके हेयर अच्छे चाहिए तो कोकोनट जितना खा सकते हो और उसका पानी जितना पी सकते हो उतना पीना चाहिए हर किसी को। तो यहाँ पे मैं आपको इसको फोड़ के दिखाऊंगी अभी, और इसमें बहुत सारा पानी निकलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ के जो कोकोनट होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसा व्यू शेयर करने वाली हूँ जो पहले शायद आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा, आसमान में आग लगते हुए किस किस ने देखा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप वीडियो को वॉच करोगे तो आप बहुत एंजॉय भी करोगे, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पेंटिंग हाथों से कलर पटक के की है। तो देखना आप प्लीज़, खा लोगे ना तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सब चीज़ों में, एक तो आपके हेयर के लिए। और कितना मोटा निकला है आप देख सकते हो, मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ के जो कोकोनट आते हैं ना उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है।
तो अब इसको मैंने फोड़ लिया है। अब इसको मैं ना निकाल के फ्रीज में रख दूंगी, पूरा नहीं निकाल के रखूंगी तो सूख जाता है। जितना मुझे खाना है उतना ही मैं निकालूंगी इसमें से। तो इसमें कम से कम आधे से ज्यादा गिलास पानी निकल चुका है। और यहाँ पे जो पानी वाला कोकोनट आता है ना, उसको ये लोग कम से कम 25 रुपए का देते हैं, ये 20 रुपए का दिया था। आज एक आंटी आई थी छोटी बुड्ढी सी, तो वो बेच के गांव से थी शायद कहीं से, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे ना लोग गांव से आते हैं और अपनी सब्जी और ऐसी चीजें बेच के जाते हैं, तो मैंने 20 रुपए का लिया था उससे। मुझे निकालना नहीं आता एक्चुअली। एक तो अगर आपके भी बाल वगैरह ज्यादा गिर रहे हैं ना, तो आप ये यूज कर सकते हो कुछ भी लगाने के बजाय, दुकान की चीजें यूज करने के बजाय, मतलब प्रोडक्ट यूज करने के बजाय आप ऐसी चीजें खाओ जो आपको अच्छा रिजल्ट दें। और मीठा भी ठीक है, इतना मीठा नहीं है पर ठीक है बीच का सा। और मैं अदिति को भी कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा ये देने की, पर वो अभी खाती नहीं है, पर इसका जूस पी लेती है वो अच्छे से। तो जब भी मुझे दिन में कुछ खाने का मन करता है ना, तो मैं ये खाती हूँ और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपको पता ही है कोकोनट तो सबको के क्या कितने फायदे होते हैं इसके। ये क्लीन कर देती हूँ यहाँ पर, नहीं तो चीटियां हो जाएंगी अभी। मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा देने का, क्योंकि अच्छा रहता है बालों के लिए। अदिति के पहले बिल्कुल बाल नहीं थे और अभी तो ये देखो इसके बाल। नन्नू भूत बना दो दीदी को, भूती नहीं। अदिति के बालों की क्वालिटी काफी अच्छी है, पहले बिल्कुल नहीं थे नन्नू की तरह, पर अभी काफी है। इतने मोटे हैं इसके बाल जो मतलब इसके अंदर आ जाते हैं, मेरे हाथ के अंदर। काफी सॉफ्ट और मोटे भी है थोड़े से। पी जाओ फैल जाएगा। एक दूध देना। बाय कर दो, बाय नन्नू, बाय नन्नू को भी मैंने छोटा सा कोकोनट दिया है, वो धीरे धीरे खा लेगी इसको कट कट करके। चलो बाय कर दो, बाय बाय। अभी वो खाने में बिजी है तो फिर बाद में लबू कर दो, लबू कर लो। चलो ठीक है, मिलती हूँ ना थोड़ी देर में। तो ये है वो व्यू जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। और आपने पहले ऐसा कभी कहीं नहीं देखा होगा, मैंने तो पहले ऐसे कभी कहीं नहीं देखा। आज से कम मेरी 24 या 5 ईयर के उसमें मैंने कभी ऐसा कभी नहीं देखा कभी भी। और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, सभी लोग अपनी अपनी छत पे चढ़कर देख रहे थे। बार बार हम सोच रहे थे पता नहीं क्या देख रहे हैं सब लोग, इस टाइम हम छत पे घूम रहे थे तो सब लोग छत पे चढ़ चढ़ के देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाऊँ और आप लोग भी इसको देखो और आप लोग इन्जॉय करो। तो किस किस ने ऐसा पहले देखा है वो भी मुझे कमेंट्स करना, किस किस ने फर्स्ट टाइम देखा वो भी मुझे कमेंट्स करना, और बिल्कुल कैसा लग रहा था आप देख के बताना मुझे बिल्कुल। और बरसात का बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा था, बिल्कुल बिजली चमक रही थी, तो बरसात होने ही वाली थी जैसे थोड़ी बहुत देर में। तो अब एंजॉय कीजिए आप इस व्यू को और मुझे बताना ठीक है इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच है। मुझे तो ऐसा लगा था जैसे आसमान में आग लग रही है क्या बिल्कुल, और हल्का हल्का सा सूरज भगवान जी ढल रहे थे मतलब। Okay.
मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया, उसके बाद भी मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगा कि इस तरीके से क्यों हुआ है ये। बट आप लोग मुझे ज़रूर बताना अगर किसी को कुछ भी आइडिया है थोड़ा सा भी कि इस तरीके से क्यों हुआ है। और बिल्कुल आग निकल रही थी, ऐसा लग रहा था इसमें से अंदर जैसे कि आग जल रही है क्या। और सभी लोग अपनी अपनी छत पर चढ़कर देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, क्योंकि सब लोगों को इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। मैंने तो पहली बार देखा है पौंडीचेरी में जब से मैं आई हूँ तब से, और बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, अदिति बहुत एंजॉय कर रही थी इस चीज़ को। बट मुझे बताना कि इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। और आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही बिल्कुल सारी तरफ रेड रेड दिखाई दे रहा था बस। और अब जिस इंसान से मैं मिलवाने वाली हूँ उन्होंने मेरे को बोला था कि भाभी अपने चैनल में हमको भी दिखाओ, तो मैं उनको आपसे मिलवाना चाहती हूँ। ये है वो कैंडिडेट जिन्होंने मुझे बोला कि दिखाओ, तो और मैंने ये दिखा है दिया। वो दो स्पेशल कैंडिडेट जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती थी। ये है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो है राजस्थान से, यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर है हमारे हस्बैंड के साथ साथ में। हेलो एवरीवन, और सुबह से मैं अभी दिख रही हूँ आपको। सुबह से मैंने खाना खाने के बाद में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, और अभी इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि रात दिन में बहुत ज़्यादा बरसात थी, लाइट वगैरह नहीं थी यहाँ पे, तो इतना सूट नहीं कर पाई। और मेरे फ़ोन का भी कवर टूट गया था, तो मैं जब भी फ़ोन को स्टैंड में लगा रही थी तो फ़ोन गिर जा रहा था बार बार। तो यहाँ पे मैंने सुबह वाली सब्जी रखी है राजमे की, और यहाँ पे राइस बनाया है थोड़ा सा, और मैं उनका दूध का वेट कर रही हूँ, दूध गर्म हो रहा है उसका, तो इसलिए नहीं सूट कर पाई बिल्कुल भी सुबह से। और तो यहाँ पे दूध मेरा हो चुका है गरम, और नन्नू को दूंगी मैं, चलो रख के बात करती हूँ आपसे, आप लोगों से अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने दूध गरम किया है अभी नन्नू के लिए, तो मैं उसको सेरेलेक्स खिलाऊंगी थोड़ा सा। तो सूट नहीं कर पाई थी कुछ भी, बट आज मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू आपके लिए सूट करे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और खाना मुझे ज्यादा बनाना नहीं था, कुछ रोटी से की है और मैंने बनाई है सिर्फ राइस बनाया है, सब्जी वगैरह सुबह की बनी हुई रखी थी, और थोड़ा सा मैं ऐसे करूंगी रायता बना लूंगी और उससे हो जाएगा हमारा डिनर अच्छे से, क्योंकि इतना ज्यादा भूख नहीं है अभी। सबने चने वगैरह चाय और बिस्किट और नाश्ता कर लिया था तो इसलिए, और आज ज्यादा सूट नहीं कर पाई उसके लिए सॉरी यार। पर घर पे लाइट नहीं थी, तो आप लोगों को पता ही है कि घर पे जब बच्चे होते हैं और लाइट नहीं होती तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। और प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को वॉच नहीं करते हो यार, ऐसे मत किया करो, इतना मेहनत करते हैं आप ही तो कहते हैं ना कि एक सच्चा फ्रेंड होता है ना, वो ही ऐसा करता है, फुल वॉच करता है और अच्छे से कमेंट्स भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो वॉच नहीं किया और वीडियो खोल के भी नहीं देखा, उससे पहले बोल देते हैं नाइस वीडियो नाइस ब्लॉग, ऐसे मत किया करो यार, सबको ऊपर वाला देखता है। और ऐसे करोगे तो देखो सबके साथ, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा शायद। मैं ये चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जो जैसा करता है भगवान उसके साथ वैसा ही करता है। तो यहाँ पे सुबह से मैंने कोई कुछ भी सूट नहीं किया था, और अभी मैं किचन में हूँ क्योंकि मैंने खाना बनाया था, और बरसात हुई थी हमारे आज, और इतना अच्छा मौसम सूट किया था आज मैंने। आप देखना आज मैंने जब सूरज भगवान जाते हैं ना तब का मैंने व्यू सूट किया है इसमें, तो आप देखना आपको कितना मजा आने वाला है, और देखने में व्यू आप कभी नहीं भूल पाओगे सच में। और ऐसा व्यू आपने कभी नहीं देखा होगा, पहली बार देखा होगा शायद, हो सकता है किसी ने देखा हो। पर कहते हैं कि साउथ में जब सूर्य भगवान आते हैं और मून मतलब सुबह उगते हैं और डूबते हैं ना, तब का व्यू इतना अच्छा होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा वाला, ऐसे लगता है जैसे कि पानी में से निकल रहा है क्या बिल्कुल ही। तो हम लोग ना एक बार वहां पे गए थे, क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी और रामेश्वरम, तो हम लोग वहां पे घूम के आए थे। तो वहां पे हमने एक बहुत अच्छी जगह घूमने वाली, तो कन्याकुमारी और रामेश्वरम में क्या होता है कि ना जब आप सूरज भगवान ढलता है ना तब आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा, और उगता है तब ऐसा लगेगा जैसे पानी के अंदर से इतना बड़ा वाला पानी के अंदर से निकल रहा है, कि बहुत ही अच्छा व्यू है। अगर कोई गया होगा तो उसको पता होगा, कौन कौन गया मुझे जरूर बताना। अगर मेरे पास उसकी क्लिप मिल जाएंगी इस वीडियो में तो मैं जरूर ऐड करूंगी यहाँ पे। ऐसे वाले फोन से मतलब खड़े वाले फोन से शूट किया हुआ है वो मैंने, तो हो सकता है ऐसे वाले से ना मिले, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। अगर मुझे मिलेंगी तो मैं पक्का शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, किचन मेरी क्लीन हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।